व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में माइकल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और वो मुझे पकड़ कर ले आए थे प्रिजन में, और अभी ना इन लोगों ने मुझे 2 साल की सजा सुना दी है और मुझे 2 साल तक इस जेल के अंदर ही बंद रहना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे, तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग को याद होगा कि काफ़ी टाइम पहले हम लोग सोलोमोन से मिलने के लिए गए थे, और डेविन वेस्टन करके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसका बहुत सारा पैसा एक मूवी में इन्वेस्ट हो रखा था। तो सोलोमोन ने हमें उसके बारे में बताया, और हमने जब उससे जाकर बात करी तो उसने बोला कि तुम मेरे लिए 4 से 5 गाड़ियां चोरी कर दो और ये जो मूवी है हमारे नाम कर देगा। अब आप लोग को तो मालूम ही होगा कि माइकल को शुरू से ही एक मूवी प्रोड्यूसर बनने का शौक है, मतलब एक सपना है, और उसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने भाई बिना कुछ सोचे समझे उसके लिए वो जो गाड़ियां हैं वो मिनी मद्राजो के घर से चोरी करी और उसको सारी गाड़ियां ले जाकर दे दी। हमने अपना काम एकदम अच्छे से करा, लेकिन उसके बाद जब बारी आई मूवी हमें देने की तो भाई उसके असिस्टेंट वो मूवी की फाइल लेकर भाग गई, और वेट मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, और अभी ये प्रिजन गार्ड भी थोड़ा पागल सा हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी ये आगे का प्रोसेस करने के लिए हमें अपने साथ लेकर जाने वाला है प्रिजन में बंद करने के लिए। तो गाड़ी में बैठो, कोई तुम्हें रोकने नहीं वाला। भाई साहब मतलब कुछ अलग ही डॉन पना पड़ा है भाई, ये तो मतलब प्रिजन में इसकी चल रही है, तो यार ये कुछ भी कर सकता है, और अभी मुझे इसके साथ जाना ही होगा। ओ भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कार्स लेकर आया है, अपनी कमैरो है, रेंज रोवर और जी वैगन। मेरे को कौन सी गाड़ी में बैठना, मैं यहीं खड़े हो जाता हूँ क्योंकि अभी वो आगे वाली साइड से निकल के आ रहा है। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड भी अपने बॉडी गार्ड्स के साथ यहाँ पर आ चुका है, तो फटाफट से मैं भी एक काम करता हूँ भाई, अपना गाड़ी में पीछे वाली सीट पर चुपचाप बैठ जाते हैं। और यार अगर अभी इन्होंने कोई भी हरकत करी ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई भी वेपन है ही नहीं फिलहाल। हाँ इन लोगों ने अपनी गाड़ी चला ली है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर ये लोग गाड़ियां लेकर कहां पर जाने वाले। ओके तो ऊपर जो हेलीकॉप्टर था वो यानी प्रिजन वालों का नहीं था, मुझे लग रहा था इन प्रिजन वालों का हेलीकॉप्टर चल रहा है ऊपर, पर ये तो अपने भाई, ओ तेरी, इसके ड्राइवर ने क्या नाश पीटा भाई गाड़ी का आगे से। पर हाँ यार जैसा कि आपको पता है अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मतलब कि यार आप लोग को मालूम ही है कि इसका और इसके भाई का कार्स का ही बिजनेस है लिबर्टी सिटी में, तो इनके लिए रेंज रोवर ये जी वैगन शायद से मजाक की बात है फिलहाल। हाँ अभी मैं इससे बात करता हूँ कि आखिर मुझे जेल से बाहर क्यों निकलवाया फिर। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल मैंने इससे पूरी की पूरी बात कर ली है कि आखिर मेरे को प्रिजन से बाहर क्यों निकलवाया, और यार इसने जिस काम के लिए हमें बाहर निकलवाया है ये काम अगर अपना हो गया ना तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, और हमेशा अपने साथ ऐसा ही होता है, पहले हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं फिर उससे बाहर निकलने के लिए उससे भी बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, और आज भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि यार ये जो अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड है ये कह रहा है कि अब इसे लॉस सैंटोस पे कब्जा चाहिए। पूरी लिबर्टी पे तो इसका राज चल ही रहा है, पर ये कह रहा है कि अब उसे लॉस सैंटोस भी अपने नाम करना है, और उसके लिए हमें डगन बॉस को मारना होगा। पर ये कह रहा है कि डगन बॉस को यूं नॉर्मली मारना इम्पॉसिबल है, उसे कोई नहीं मार सकता, उसके पास इतनी ज़्यादा फोर्स, इतनी ज़्यादा पावर है, तो हमें उसे ना धीरे धीरे करके कमज़ोर करना होगा। तो पहली चीज़ जो उसके पास सबसे ज़्यादा पावर, उसके पास टोटल 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम लोग एक एक करके तोड़ लेंगे या फिर उससे छीन लेंगे ना तो वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ उसके जितने भी डिफेंस हैं वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी चीज़ उसके जितने भी टेररिस्ट हैं हमें उन्हें ख़त्म करना होगा। तीसरी चीज़ उसके पास बहुत सारा पैसा है और पैसे से वो कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी ले सकता है, तो वो भी हमें ख़त्म करना होगा। चौथी चीज़ उसकी सारी सीक्रेट कार्स। तो आज इसने हमें, वैसे 5 चीज़ें और 5वीं चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो इसने भी हमें खुद नहीं बताई है। तो गाइस देखो अभी ना ये हमें कह रहा है कि अगर हम लोग इसके लिए काम करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये हमें मरवा देगा, और इसका एग्जाम्पल इसने दिखाई दिया। इसको एग्जैक्ट पता था कि हम लोग प्रिजन में बैठे हुए हैं और ये मिलिट्री कर्नल से बात करके सीधा वहाँ पर पहुँच गया, और भाई इसने डायरेक्टली हमें प्रिजन से ईजिली बाहर निकाल दिया भाई, तो इसका मतलब इसकी अच्छी खासी बातचीत है, और अभी हमें इसके लिए काम करना ही होगा। पर हाँ अपना एक फ़ायदा भी है, अगर हम लोग ऐसे धीरे धीरे करके पहले डगन बॉस को कमज़ोर कर देंगे, उसके सारे सीक्रेट वेपन्स कब जाके, उसकी सीक्रेट कार्स लेके, उसके जितने बॉडी गार्ड्स हैं उनको मार के, फिर उसके बाद डगन बॉस को मारना ईजी हो जाएगा और उसके बाद अपना काम भी ईजी हो जाएगा। तो फिलहाल ये लोग मुझे अभी एक सीक्रेट जगह पर ले जाने वाले हैं,
प्लान इन्होंने मुझे पूरा का पूरा बता दिया कि हमें आज अभी के अभी क्या करना है। तो एक गाड़ी है डगन बॉस की जो कि लिबर्टी सिटी में है और वो किसी दूसरी कंट्री से वहाँ पर आई है और वो गाड़ी हमें वहाँ से चुरा के लानी है। और उस गाड़ी को चुराने के लिए हमें उसके जो सीक्रेट पासवर्ड्स हैं जिस जगह पर वो गाड़ी रखी हुई है वो पता करने होंगे और वो सीक्रेट पासवर्ड अपने लॉस सैंटोस के एक सीक्रेट बेस में रखे हुए हैं। मतलब क्या इतनी ज़्यादा चीज़ें छुपाई जा रही है, हमें बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो गया यार ऐसी ऐसी चीज़ें। इतने बड़े प्लानिंग के साथ डगन बॉस बैठा हुआ है इस लॉस सैंटोस को कब्जा के। तो हाँ, सिंपल सा प्लान ये है कि पहले उसके लॉस सैंटोस वाले सीक्रेट बेस में जाके हमें वहाँ का पूरी लोकेशन पता करनी है कहाँ पर गाड़ी है, फिर लिबर्टी जाके वो गाड़ी चुरानी है। पता नहीं यार क्या होगा, इतना ज़्यादा डेंजरस उस गाड़ी में। जो काम करवाने के लिए इसने हमें वापस से अपना दोस्त बनवा लिया भाई, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है मेरे को बिल्कुल। फिलहाल अभी ये लोग मुझे कहाँ पे लेके जाने वाले हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल अपने लिबर्टी सिटी वाले फ्रेंड्स ने अपने सभी बॉडी गार्ड्स को वापस भेज दिया है और इसने हमारे लिए बढ़िया बढ़िया गन्स का भी जुगाड़ करवा दिया है। और सबसे बड़ी सरप्राइज वाली बात तो ये है कि अभी ना ये हमारे साथ जाने वाला है उस जगह पे जहां पर से हमें डगन बॉस का सारा पैसा चुराना है और उसकी सबसे जो मेन कार है वो चोरी करनी है। तो इन लोगों ने मेरे जो कपड़े थे वो भी प्रिजन से ले लिए हैं जो कि मैंने यहां पर चेंज कर लिए हैं और हमारे लिए एक पुलिस की न्यू कार का जुगाड़ भी करवा दिया है। फिलहाल हाँ, अभी बातें बिल्कुल नहीं करनी, मुझे उस जगह पे पहुंचना होगा जहां पर टेररिस्ट का मीन्स डगन बॉस का टेररिस्ट वाला लॉस सैंटोस का सीक्रेट बेस है। मतलब यार डगन बॉस काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है और ये जो बंदा है भाई इसके साथ मिलके हम लोग डगन बॉस की बैंड बजाने वाले हैं। फिलहाल हाँ, इसने मुझे यही जगह की लोकेशन दी है। और एक आप लोग को याद होगा काफ़ी टाइम पहले हम लोग एक आर्ट गैलरी में गए थे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगी महंगी पेंटिंग्स है, लेकिन उस आर्ट गैलरी से हमने पूरा उसे एक्सप्लोर करा था पर हमने नोटिस नहीं करा कि उसके अंदर एक बहुत तगड़ी बेसमेंट है और वही उसका सीक्रेट बेस है। तो अभी हम लोग उसी जगह पर पहुंचने वाले हैं पर उस सीक्रेट बेस की एंट्री जो है ना वो इसको अच्छे से मालूम है। तो जैसा जैसा ये बोलता चाह रहा है ना मुझे वैसे वैसे करना है। तो अभी हम लोग उस आर्ट गैलरी में पहुंच चुके हैं, मुझे अपनी गाड़ी को ना गाइस आगे से लेकर जाना है। वहीं कहीं से कोई रास्ता है जहाँ पर हम लोग इसके साथ जाने वाले हैं। इसने मुझे पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया है और इसको हम पे विश्वास है कि हम लोग ये काम एकदम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे इसी गली में जाना है बट हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। सामने की तरफ में ना दो शटर हैं वहीं से। वेट भाई साहब, यहाँ पर एक टेररिस्ट जा रहा है, मुझे पीछे होना पड़ेगा भाई। वो देखो, मतलब यार ये एरिया इन्होंने पूरा कब्जा रखा है और अपना चुपचाप यहाँ से घूम रहे हैं। सही है कि उसने हमारी गाड़ी पे शक नहीं करा वरना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। मैं सबसे पहले काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना साइड ही खड़े कर देता हूँ। और भाई ये जो अपना लिबर्टी सिटी वाला फ्रेंड है ना, ये बाकी गैंगस्टर्स या फिर बाकी माफिया की तरह नहीं है जो कि बस घर बैठ के ऑर्डर देते हैं। तो अभी ना हम दोनों अपनी गन्स बाहर कर लेते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि ये वाला जो अपना फ्रेंड है ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर सिर्फ पैसों की वजह से नहीं बना है, हमारी तरह ही फाइट कर करके बना है। तरीके से ना चारों तरफ के बंदे देख लूंगा। ये देखो सामने की तरफ में बॉडी गार्ड खड़ा हुआ, निकल तेरी ऐसे की तरह। तो गाइस यार देखो, अभी ना फिलहाल मैंने एक बंदे को तो स्नाइपर मार के डाउन कर दिया, पर यार अभी ना सच्ची में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो चुकी है क्योंकि अंदर की तरफ में जितने भी टेररिस्ट थे ना भाई वो सारे के सारे भाग कर मेरे को मारने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और अभी ना मुझे भाई एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हेल्प की जरूरत है वरना ये लोग मुझे बहुत इजीली यहाँ पर मार डालेंगे। और नीचे की तरफ में तो नदी है, मैं कहीं पर भाग के जा भी नहीं सकता। और वेट, किसी ने यहाँ पर इन लोग की आरपीजी मारी। ओ भाई, अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड यहाँ पर आ चुका है और इन लोग के सीधा आरपीजी बजाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। अब आओ बेटा, इतनी देर से मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था भाई साहब, मतलब कि इसे मालूम था कि हम लोग वहाँ जाने वाले हैं और ये अपना साथ देने एकदम मस्त टाइम पे आ चुका है। हम लोग भी अपनी M249 निकालते हैं, लेट्स गो। यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना सबको एकदम बढ़िया तरीके से मार डालेंगे भाई, सारी गाड़ियाँ फोड़ दो। तेरी, मैं बोल ही रहा था कि इनकी सारी गाड़ियाँ हम लोग फोड़ देते हैं ताकि ये लोग आधे से ज़्यादा तक यूँ ही फूट जाएँ। बट हाँ, इनको अभी आराम आराम से हमें निपटाना पड़ेगा भाई, काफ़ी सारे बंदे हैं। गन पूरी रीलोड रखेंगे और आप लोग एक बार ध्यान से देखो भाई कि डगन बॉस ने कितनी ज़्यादा फोर्स इकट्ठी कर रखी है। मतलब इतनी ज़्यादा गाड़ियों की जरूरत क्यों है भाई उसे, इतनी तगड़ी प्लानिंग से कोई बंदा कैसे चल सकता है भाई। फिलहाल हाँ, अभी जो भी हो यहाँ पर जितने बंदे थे हमने सबको डाउन कर दिया है। अभी हमने DM से, ओ वेट,
तेरी भैंस की कौन, अच्छा लेट के मार रहा है बंदा। ओके कम से कम 100-150 बंदे यहाँ पर थे जिनको आरपीजी से यूं ही हम लोगों ने टपका दिया है। तो हाँ गाइस, अभी ना हमने डीएमसी कार को ढूंढना है और वही कार है जो कि डगन बोस की सबसे ज़्यादा पावरफुल कार है। यहाँ पर काफ़ी सारी कार्स खड़ी हैं और भाई साहब मानना पड़ेगा यार इसको हमारे पीछे पीछे आ रहा था, यानी ये हमें टेस्ट करना चाह रहा होगा कि हम लोग इसके लिए काम करते हैं या फिर नहीं करते फिलहाल। हाँ ओके, तो सामने जो ब्लू कलर की कार खड़ी है यही तो है डीएमसी, लेट्स गो। फटाफट से गाइस हम लोग इस गाड़ी को उठाते हैं। वो भाई साहब काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है वाली जो गाड़ी है देखने में, तो टॉलेरियन इस गाड़ी का नाम है। फिलहाल अभी अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड भी इस गाड़ी में आकर बैठ चुका है, तो फटाफट से हम लोग इस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। और इसके बॉडी गार्ड को देखो कितने चूरन है भाई, उन्होंने इसमें जो लगी गन्स है उसका यूज ही नहीं करा भाई। उतरी यहाँ पर कुछ छुपा हुआ, अबे मार इसको, इसकी ऐसी की ऐसी हमको मारेगा तू भाई। अभी इनके साथ बहुत गंदा ही स्कैम होने वाला है क्योंकि इसके अंदर जो गन लगी हुई है ना भाई साहब, इस गाड़ी के अंदर लाइट्स देखो कैसे चल रही है। जब ये रीलोड होती है ना तो इसकी सारी गाड़ी की लाइट बंद हो जाती है फिर दोबारा जल जाती है, और गाड़ी के आगे भी भाई पता नहीं कैसी कैसी सी लाइट्स इसके अंदर जल रही है। भाई जो भी हो अभी बातें कम करनी है, फटाफट से ना गाइस हम लोग इस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल लेते हैं। ये कितना ज़्यादा आसान था यार इस गाड़ी को चुराना, बस हाँ यार इसको वैसे आसान नहीं था यार, अगर ये आरपीजी लेकर ना पहुँचता ना एंड टाइम पे तो मैं तो कसम से बता रहा हूँ मैं अपनी लैम्बोर्गिनी उठाकर यहाँ से भागने वाला था फुल स्पीड में। तो अभी गाड़ी तो मिल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा तकड़ी है, और इस गाड़ी के अंदर जो बूस्टर्स हैं वो इस गाड़ी को सीधा उड़ा देंगे, चलाएंगे नहीं, तो उसको मैं नहीं यूज़ करने वाला हूँ, उसे खुली जगह पर ट्रेनिंग के साथ ही यूज़ करेंगे। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1.3 मिलियन लाइक के लिए, तो जाओ यार जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है जल्दी से वीडियो को जाके लाइक कर दो, और जो भी चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।